हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल एट होम। तो सुबह को हो रहे 7, मैं पूरी तरीके से रेडी हूँ। अभी कुछ देर में निकल जाऊँगा, हाफ एन आवर के बाद। आज 13 अगस्त, आज एक्चुअली CTTC ने एक रैली निकाली जाएगी। हमें नोटिफिकेशन मिला था तिरंगा यात्रा करके। एक्चुअली एक आपको तो पता ही होगा कि एक्चुअली ये एक कैंपेन है श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये किया जा रहा है। तो एक्चुअली CTTC में भी ये एक रैली होने वाली है। तो आज अभी जाएंगे, एक फर्स्ट हमारा क्लास होगा एक नॉर्मल सा, उसके बाद फिर अराउंड 10:30 बजे के बाद ये रैली निकाली जाएगी। हमें ये तो नहीं पता रैली एक्चुअली कहाँ से कहाँ तक होगी, बट डेफिनेटली रैली तो होगी। और एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पिछले 5 दिनों से काफ़ी बारिश हो रही है, और मैं थोड़ा एक्चुअली कन्फ्यूज़ हूँ कि होगी कि या नहीं होगी, ये पता नहीं। एक्चुअली यही एक इशू है, देखते हैं। रैली तो होगी, बारिश में भीग कर जाए जाए जैसे भी हो, बारिश हो या ना हो इट्स ओके, बट रैली तो निकलेगी। तो चलिए फिर चलते हैं CTTC। लेट्स गो। तो ये हमारा PGDT का ग्रुप है। ये लाइन देख सकते हो आप, काफी लंबा है। भारत माता के, भारत माता के। काफी लंबा लाइन है हमारे, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। एंड निशान, दिस इज निशान एक्चुअली, बाय द वे प्रो मैं बोल नहीं पाया। और दिस इज आदर्श। इतना चीखा ना यार कि आवाज मेरी दब गई है। हमारे लोकल इंस्टीट्यूट के बाहर ही हो रही है, ज्यादा लंबा वो नहीं है ये पार्ट। सर सर, हाई हाई टू द कैमरा। हमारा रैली एक्चुअली खत्म हो गया है, हम अभी पहुंच चुके हैं फ्रंट गेट तक पहुंच चुके हैं। अभी हम अंदर जा रहे हैं और बारिश में पूरी तरीके से भीग चुके हैं, और आवाज इतना शोर से आवाज कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। जिंदाबाद
ये एक्चुअली अभी अंदर आए, अब पूरी तरीके से भीग चुके हैं सारे के सारे और ये हमें मिला है, आगे खाने को ये खाएंगे, सुबह से भूखे हैं एक्चुअली। अरे ये है आदर्श, आदर्श यस से समथिंग, हाउ वाज द फीलिंग? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही जोश वाला था। कैसा पूरा भीग गया ना? मैं भी भीग गया पूरी तरह। हम लोग भीग चुके हैं बट जोश अभी भी हाई है, हाई है। बाकी लोग पीछे ही हैं। अरे और अभी पूरी तरीके से भीग चुके, पता नहीं भी क्लासेस कर पाएंगे या नहीं, मेरी आवाज भी दब गई है यार। आज हमने पूरे जोश के साथ अपने तिरंगे की शान बढ़ाई है। हाँ और हम यही चाहते हैं कि तिरंगे की शान कामयाब रहे, बरकरार रहे। सही बात है, गुड गुड। तो ये थैंक यू, पहुंच चुके हैं। पकड़ेगा इसको, ये हमारी मैम आगे आगे जा रही है, हमें लीड करते हुए जा रही है मैम। अरे पता है ऐसा लग रहा है ना, मैं नहा के अभी नहा कर आया, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना पूरी तरीके से। 15 अगस्त को हमारा इंडिपेंडेंस डे है, लेकिन आज CDTC ने ये ऑर्गेनाइज किया आजादी का अमृत महोत्सव। एक्चुअली ये ऑल ओवर इंडिया में ये हो रहा है आज के डेट पे, ये तिरंगा यात्रा ऑल ओवर इंडिया में आज होने वाला था, इंडिया ये ऐलान था। हाँ जी, और CDTC ने इसे ऑर्गेनाइज किया और हम सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और हमने फ्लैग होस्टिंग की है इसमें चलते हुए। ये एक्चुअली मिला है हमें आज के दिन पे, सेम है, सेम क्या है, ओरियो और ये फ्रूटी और ये केक पेस्ट्री। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अभी हो रहे टाइम 1 बज रहे हैं अभी हमारा, एक्चुअली 1:15 ओके राइट। तो अभी क्या है कि हमारा ये लंच टाइम है और हम पूरी तरीके से भीग चुके थे रैली में बाहर जाकर, तो हमने एक्चुअली मैम से बात करी और क्योंकि पूरी हमने हाफ डे करवा लिया मैम से बात करके, और उसके बाद मैम ने बोला कि ठीक है आप लोग अगर भीग चुके हैं तो आप जा सकते हो, आज की क्लास नहीं हो तो हम अपने हमारे लंच के बाद से प्लान है। और हम एक्चुअली पूरी तरीके से भीग गए थे ना, हमारा ये शूज़ वगैरह सारा भीगा हुआ है, शर्ट्स वगैरह अभी भी भीगा हुआ है, ये सूखा नहीं है अभी भी, तो मतलब AC अंदर में चल रही है ना तो कंफर्टेबल नहीं लगता है, आप भीगे भीगे रहोगे फिर AC चल रहा होगा, फैन चल रहा होगा, तो अच्छा नहीं था माहौल। इसलिए मैम ने हमारी सुनी, हमने रिक्वेस्ट करी, ध्यान रखते हुए मैम ने बोल दिया कि आज क्लास नहीं होगी, तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं अच्छे से खाना वाना खाएंगे उसके बाद अपने रूम में जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई ब्रदर्स चैनल एंड वंडरर करण, एंड थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू सो मच। तो अभी हम जा रहे हैं खाने के लिए, एंड एक्चुअली मैम तो बोल रहे थे कि क्लासेस होगा बट क्लासेस अभी ऑफ हो चुकी है, अभी यहाँ पे आए खाने के लिए। तो दिस इज़ द होटल कॉल्ड माखन भोग, लेट मी शो यू भाई। मेरा रिकमेंडेशन है कि आप आओ तो यहीं पे खाने के लिए आओ। हाँ भाई, बहुत बढ़िया जो हमारा होटल में माखन भोग, उसमें बहुत अच्छा टेस्टी माइंड ब्लोइंग मार्वलस खाना बनता है, इसलिए हम रोज इसे आज ही खाते हैं। सही बात है, हम तो यहाँ पे रोज खाने आते हैं, खाना का टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है, भीड़ काफ़ी बहुत रहता है यहाँ पे, आजू बाजू जितने भी होटल्स हैं सारे होटल्स में तो मैं बेस्ट रेटिंग माखन भोग को ही दूंगा। तो देखते हैं आज क्या खाएंगे। दिस इज व्हाट एक्चुअली वी हैव ऑर्डर्ड, पराठा विद गोभी मसाला। क्या आदर्श, ये हमारा फेवरेट है। हाँ ये फेवरेट है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग यही खाते हैं। वी हैव टू चॉइस, इधर एक थाली और पराठा एंड गोभी मसाला। लिटरली यस, एक थाली हम हमेशा, एक थाली या फिर ये गोभी मसाला यही खाते हैं, तो आज का यही है। तो लेट्स कंसंट्रेट ऑन द फूड एंड देन गेट, टेस्ट इज रियली नाइस। टेस्ट कैसा, अच्छा है ना, बहुत नाइस, वेरी नाइस, वेरी डिलीशियस। ओके तो हमने जो है लंच कर लिया है, लंच कंप्लीट हो गया हमारा और एकदम हम लोग फुल हैं अभी। अब थोड़ी देर में हम लोग वापस घर जाएंगे। अभी जहाँ पे हम खड़े हैं ये एक्चुअली CDTC जो एंट्रेंस है, गेट है, गेट के बाहर ही खड़े हैं। बाइक मैं दिखाता हूँ, पार्किंग हमारा बाइक वगैरह पार्किंग वहाँ पे, सब यहाँ पे अभी बातें कर रहे हैं, अभी बस निकल जाएंगे 10 मिनट में। और
जो हल्की हल्की बारिश अभी भी हो रही है यहाँ का वेदर अनप्रिडिक्टेबल है, आप बता नहीं सकते कब बारिश होगी कब नहीं होगी। हाँ ये सही बोल रहा है आदर्श, अभी देखो 5 दिन से लगातार बारिश हो ही रही है, अभी तक रुकी नहीं है, तो थोड़ा मोड़ा कभी 10 मिनट 5 मिनट के लिए रुक जा रहा है, हमेशा ये अम्ब्रेला कैरी करना पड़ता है, कब जरूरत पड़ जाएगी कोई पता नहीं। ये हमारे एक फ्रेंड निशांत, हाय, यू वांट टू से समथिंग ब्रो? तो अभी खाना खा लिया क्या? अभी हम गेट के बाहर हैं। खाना खा लिया? खाना खा के आया हूँ। कहाँ पे? यहीं पे क्या अंदर कैंटीन में? तो वहाँ बैठा हुआ था। नहीं लेकिन मैं अभी चला गया था। अच्छा, हमने देखा ना ये बैठा हुआ था वहाँ पे। ये एक्चुअली रिकमेंडेशन किसका पता है? रिशिन भाई, रिशिन सजेस्ट करता है वहाँ जा। बढ़िया बढ़िया, हमने वहाँ ट्राई किया। यहाँ पे खाना भाई एक अच्छी जगह अभी तक कोई डिसाइड नहीं हुई है कहाँ पे खाना है। नहीं, हर किसी का अलग अलग चॉइस है। हाँ, टेस्ट जो है सबका अपना सबका अपना अपना इंडिविजुअल है, घर जैसा टेस्ट तो कहीं नहीं मिलेगा यहाँ पर। बट ये है कि आपको हर जगह ट्राई करते रहना है, क्योंकि 1 ईयर हमें यहाँ पे रहना है तो हमें। बट हमारा क्या है ना, मन लग गया है श्री होटल माखन भोग में। हाँ वैसे मैं भी वहाँ पर खाता हूँ, अच्छा खाना है, अच्छा खाना बहुत डिसेंट है। थोड़ा हमने सोचा कि थोड़ा चेंज भी जरूरी है, क्योंकि लाइफ में चेंज करते रहना चाहिए इंसान को।